तो हमारे पास आ चुका है सैमसंग का रेफ्रिजरेटर और हम इसे ओपन करेंगे अभी। तो खोलो इसको पहले। अभी भी जस्ट फ्लिपकार्ट से रिसीव हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। कट तो से क्या लगभग? नहीं, ये डायरेक्टली ऐसे ओपन होता है, नीचे से डायरेक्ट ऊपर। अच्छा, ये बॉक्स टाइप ऐसे ऊपर से लगा हुआ है। यहाँ पे इसका कुछ डिटेल्स है, आप लोग देख सकते हो। फिलहाल इसका अनबॉक्सिंग हो रहा है, इसका पूरा रिव्यू बाद में मिलेगा मेरे चैनल पर। तो ये रहा कुछ, इसको इस साइड घुमा दो। बिग अनबॉक्सिंग, इसको फ्रंट साइड इस साइड कर दो। और कुछ ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, इसको ओपन बाद में करना। थोड़ा इसको ओवरव्यू दे दो, इसको लगाओ और थोड़ा साइड दे दो। कुछ इस टाइप का है। इसका पीछे का जो मैकेनिज्म है ये दिखाई नहीं देता, इसमें पूरा अंदर फिट है इसका। और ये पूरा 5 स्टार है, इसके ऊपर कुछ नहीं आता है। साइज भी बड़ा आएगा मगर 5 स्टार से ऊपर कुछ नहीं आता। ये पूरा पावर सेविंग्स, पावर सेव करता है इस। और ये ब्रांड है सैमसंग का और कलर देख रहे हो। और इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और यहाँ पे 1, 2, 1, 2, 3, 4 सेक्शन में दिया गया है। और इसमें कुछ ड्रायर है अंदर, एक इस तरह का, इसके अंदर आइस आइस बनाने के लिए इसको। और इसके पास कुछ मैनुअल इंस्ट्रक्शन। और इसका कीस वगैरह कहाँ पर है? हाँ, की है कि यहाँ पर सिंपली आप इसको लगाकर इस की से लॉक कर सकते हैं। ये लॉक हो चुका है, ये ओपन नहीं होगा। फिर से आपको ये ओपन हो चुका है, पकड़ो इसको। और कुछ आइस बॉक्स, फ्रीजर कुछ इस टाइप का है। और यहाँ पे सारा इसका कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है, टेम्परेचर सेट करने का, समर, मानसून, विंटर, जिस वेदर के हिसाब से आपको इसको सेट करना है। और इसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए इसको क्लिक करना पड़ता है। और ये फ्रिज काफ़ी अच्छा है इस प्राइस पॉइंट में, इसका जो रेटिंग है काफ़ी अच्छा है। इससे पहले हमारे घर में और एक खरीदा गया है, मैं उसका भी आपको एक रिव्यू दे दूंगा। दो है अब हमारे पास, सेम रेफ्रिजरेटर और सेम कलर, सेम और कुछ इस तरह से है। और इसको फिट करने के बाद में बाकी का सब दिखाएंगे। तो गाइस, कुछ इस तरीके से हमने इसको सेटअप कर लिया है। और इस तरीके से ये फिट हो चुका है। और ज़्यादा कुछ करा ही नहीं है, बस ये बोर्ड लगाया और ये बस वायर कनेक्शन दे दिया और प्लग इधर लगा दिया। और ये जो स्विच है, बस हमारा फ्रिज चलने के लिए रेडी हो चुका है। और फ्रिज के अंदर कुछ कुछ इतना खास कुछ नहीं है फिलहाल। हाँ, कोई बात नहीं।
तो गाइस इतना ही था वीडियो में और ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर आप ये परचेस करना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि इतना रिलायबल है और इतना इजी टू यूज़ है। तो हमारे घर में ये सेम प्रोडक्ट दो यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे इससे अलावा कोई दूसरा परफेक्ट भी नहीं लगा। इसमें जो पावर सेविंग्स भी है वो 5 स्टार तक है, और जो सैमसंग ब्रांड का भी है तो अच्छा खासा ब्रांड भी है, तो आप श्योर आप इसके तरफ जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और ऐसी टॉपिक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।